पिगमेंटेशन मेलास्मा जनरली हमारे चीक्स पे देखा जाता है, फोरहेड, नोज, अलग अलग एरिया अफेक्ट होता है। बट आप सोचो अगर ऐसा हो कि आपका पूरा चेहरा साफ है लेकिन आपके लिप के अराउंड पिगमेंटेशन हो, ये हिस्सा बिल्कुल काला दिखना स्टार्ट हो जाए, कई बार हम बोलते हैं कि मॉन्की फेस बन गया है वहां पे, तो कैसा लगता है? कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबके लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। पिगमेंटेशन जब हमारे लिप्स के अराउंड होती है तो बहुत अजीब सा लगना स्टार्ट होता है, समझ नहीं आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यही एरिया अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अगर हम एक्चुअल कॉज पे बात करें तो पता ही नहीं है, पिगमेंटेशन का भी नहीं, मेलास्मा का भी नहीं। अब तो महिलाओं ने एक वो माइंडसेट कर लिया, प्रेगनेंसी में होंगी, नॉर्मल नहीं होंगी, एक्सपोजर टू सनलाइट होंगी। बट हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि जब भ्राजक पित्त कहीं ना कहीं अपने स्थान से कहीं जा रहा है, बढ़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तब वो जाके दिक्कत होना स्टार्ट होती है। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हो गया। उसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या है जिससे हम इस पर्टिकुलर एरिया को ठीक कर सकते हैं, तो आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली है कि कैसे हम किस रेमेडी से अपनी इस पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं घर पे। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया उपासना की दुनिया फैमिली जो है वो 500K कंप्लीट कर चुकी है और जल्दी जल्दी से हमें 1 मिलियन पहुँचना है, ताकि जैसे आप लोग ठीक हो रहे हैं वैसे और भी लोग जो लाखों रुपए स्पेंड कर चुके हैं उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है वो ठीक हो जाएं। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने ना अभी 2 दिन पहले अपने दूसरे चैनल डॉक्टर उपासना वोरा पे एक वीडियो अपलोड की, वहां पे एक फीमेल है, उन्होंने ना रेगुलर कमेंट करना शुरू किया, मैं दवाई ले रही हूं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे ना कमेंट्स पढ़ के बड़ा अजीब लगा और मैंने खुद के मन में सोचा कि देखो कितनी मूर्खता है लोगों में कि बीमारी उनको है और वो दुनिया से पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, ना दवाई पे ना दवाई देने वाले पे, लेकिन 4 लोग जिनको वो जानते नहीं है उनसे पूछ रहे हैं। मतलब ऐसे मूर्खों का हम क्या कर सकते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ऐसे ही मूर्ख लोग दुनिया में अलग अलग जगह जाके लाखों रुपए स्पेंड करते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, लिटरली शेम ऑन दोज पीपल। आपको पूछना है, आप डॉक्टर से पूछो ना, आप 10 लोगों का दिमाग भी खराब कर रहे हो वहां जाके पूछ के, और पता नहीं दवाई ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। अरे मैंने अभी शुरू किया है, मुझे पक्का आराम मिल जाएगा, दवाई वो दे रहे हैं या मैं दे रही हूँ, आप मुझसे पूछोगे या आप उनसे पूछोगे, रेमेडी मैं बता रही हूँ या वो लोग बता रहे हैं। अगर ये तमाशे करने होते आप लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो और मेरा भी करते हो? अरे करना है, आप ईमानदारी से फॉलो करो ना, आपको रिजल्ट मिलेगा, जहां दुनिया ठीक हो रही है आप भी होंगे। ये बेफालतू के टेंट्रम्स मुझे पसंद ही नहीं है भाई, हम सिंपल लोग हैं, सिंपल ट्रीटमेंट बताते हैं और उसी से लोगों को ठीक कर रहे हैं, ना ये बेफालतू के तमाशे हमसे होते हैं, ना हम प्रेफर करेंगे कि हमारे पेशेंट करें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टाइम पास करना है आप प्लीज दुनिया में कहीं भी डॉक्टर से आप करिए, ठीक है, रिजल्ट लेना है, पेशेंस रखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना। मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर 99% भी ठीक होंगे मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहां बाकी डॉक्टर्स 10% लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर एरिया को डेली क्लीन करना है, और क्लीन करना है हमें ठंडे दूध से, ठंडा दूध लेना है, कॉटन बॉल को उसमें डिप करना है और उससे लेके पूरे इस एरिया को क्लीन करना है और 2 मिनट तक उसे लगा रहने देना है। जब वो पूरा लगा रहा वो सूख गया, ठीक है, उसके बाद हल्के से इस तरह से मसाज करके पानी से वॉश करना है, ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप। अब आती है सेकेंड स्टेप की बारी, आप पूरे फेस पे इस पैक को लगा सकते हो, बट पर्टिकुलर ये एरिया पे ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वहां पे आपको क्या करना है, सफेद चंदन लेना है, सफेद चंदन आप प्योर फॉर्म में लेंगे उतना बेटर है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको पंसारी से लेना होगा। उसमें आपको ऐड करना है मिल्क और उसका लेप आपको इस पर्टिकुलर एरिया में लगाना है। लगाने के बाद 15 मिनट के बाद आप उसे वॉश कर लीजिए, या जब तक पूरा सूखा नहीं है तब तक वॉश नहीं करना है, किसी की स्किन जल्दी एब्जॉर्प्शन करती है, किसी के लिए जब तक कंप्लीटली ड्राई ना हो जाए, जब कंप्लीट ड्राई हो जाए उसके बाद जो है आप इसे वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब आप रेगुलर यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट जो इसमें आपको काम करना है वो है रात का, मलाई लेनी है आपको, उसमें 1 से 2 बूंद नींबू डालना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और दिस पर्टिकुलर एरिया इस पे अच्छे से 10-15 मिनट मसाज करनी है। इसे आप पूरे फेस पे भी मसाज कर लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बेनिफिट ही मिलेंगे। मसाज करके आप सो जाइए एंड सुबह उठ के आप पानी से वॉश कर लीजिए।
ये तीन स्टेप हैं जो आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्लीन करना है ठंडे दूध से, सेकंड आपको पैक लगाना है चंदन का, उसमें आपको दूध मिला के, और थर्ड आपको जो है मलाई और नींबू डाल के मसाज करनी है। धीरे धीरे करके आपको चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन रेमेडीज करते टाइम अगर आपको महीने में भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, सो दैट जो मेलानिन अंदर बन रहा है वो धीरे धीरे करके सेटल होना स्टार्ट हो जाए और आप अपनी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिवर्स कर सके, वो खत्म हो जाए। देखिए, अगर आज मुझे आपको वहम डालने हो ना, मैं हजारों डाल दूं, ऐसे करो, मेरा ये क्रीम यूज करो, ये फेस वॉश करो, मैं पागल नहीं हूँ जो दही से करवा रही हूँ, पागल नहीं बैठी हूँ जो आपको नेचुरली प्रमोट कर रही हूँ कि अपने घर पे ये करो, उससे जितना बच जाए उसको आप ट्रीटमेंट मेडिसिन से ठीक करो। आप लोग पेशेंस रखिए, जो सालों आपने ट्रीटमेंट लिया यार उससे मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, ना मैंने दिया, जिन्होंने दिया, जिन्होंने खराब किया वहां हमने सवाल नहीं किए, मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ। और उसमें भी मुझे किसी पेशेंट का लगता है ना कि यहाँ रिजल्ट नहीं आएगा 3-6 महीने में, मैं मना कर देती हूँ कि नहीं होगा, पैसे मत उस चीज में स्पेंड करो। लेकिन आप लोग ऐसे हैं, सबको टारगेट नहीं कर रही, पर जो लोग हैं वो समझ आएंगे, जिनका 10-10 महीने में 80-80% ठीक हो गया ना, तो वो कह रहे हैं कि जो 20% रह गया ये इतने टाइम में क्यों ठीक नहीं हुआ, और चाहे आपकी प्रॉब्लम 15 साल की थी 10 साल की थी। तो आप प्लीज इन चीजों को समझिए, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में हो तो आप यहाँ आओ, मैं छड़ी घुमाऊं और ठीक करके आपको घर भेज दूं, मैं नहीं कर सकती। मेरे लिए हर पेशेंट इक्वल है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, ठीक है, हर पेशेंट मेरे लिए उतना ही प्रायोरिटी पे है, सबको ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं इतनी सारी रेमेडीज लेके आती हूँ। मैं भी वैसे ही करूँ कि एक ही इंग्रेडिएंट के अराउंड ना सारी रेमेडीज को चेंज कर दूँ, लेकिन हर रोज कुछ नया लाना, विद फैक्ट्स लाना, विद प्रूफ लाना, उसमें कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको उस पर काम करना। एंड प्लीज नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जितने नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जितने कमेंट्स इन चीज़ों पर, पता नहीं उस पर कौन करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि ये पेशेंट्स हैं भी हैं या नहीं है, क्योंकि जो ठीक हो रहे हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि जाएं कमेंट करें लिखें, और जो इतना बेला बैठा है कि हर कमेंट के नीचे 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 नीचे, उसका हमें पता ही नहीं है। जब उनसे हम सवाल बराबर पूछते हैं, आप डिटेल दो, तो दोबारा वो गायब हो जाते हैं, कभी वो आते ही नहीं है। तो ये जो मैंने रेमेडी बताई है, 1 month इसको फॉलो करना, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसके साथ एक ड्रिंक आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है और वो है मिंट पुदीना। आपको क्या करना है, 1 glass पानी लेना है, स्टील का बड़ा या कांच का गिलास, उसमें आप 4-5 पत्ते पुदीने के रात को भिगो के रख देंगे फ्रिज में, और डेली सुबह 9-10 बजे के करीब वो ठंडा ठंडा पानी आपको प्रॉपरली पीना है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को क्लीन करेगा और स्किन को एंटीऑक्सीडेंट एकदम से नरिश कर देगा। जो काम ग्लूटाथियोन हो गए, कॉलेजन बूस्टर, ये सब चीजें करें ना, आप नेचुरली घर पे भी कर सकते हो उन फ्री रेडिकल से निजात पाने के लिए। आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट पे ही डिपेंडेंट रहना है, आप नेचुरली भी अगर अपनी डाइट में उन चीजों का चेंज करोगे, चिया सीड्स को ऐड करोगे, तब भी वो उतना ही काम करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव होता है ना, वो आप लोगों तक पूरा पहुंचे। अब हमारे पास क्या होता है कि अब मैंने 1-2 दिन से देखा, जैसे एक बंदे ने किया कि आप उन पेशेंट की वीडियो डालो जो 100% ठीक हो गए हैं, ठीक है, हमने बहुत बार शेयर की है, ठीक है। अब होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, जो जितना ठीक हो गया उसके बाद वो वहीं पे छोड़ रहे हैं, दोबारा उतना ब्रेक ले रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको वो वीडियोस भी दिख जाएंगी, क्योंकि ये रोस्टर बहुत पहले प्लान हो चुके हैं, हमारे पास बहुत बैकअप है पीछे पेशेंट्स का, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो आप उस चीज से बेफिक्र रहो, जो जितना ठीक होता जाएगा वो परमानेंट होता जाएगा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको उस चीज का भरोसा दिलाने के लिए। आप ये भी तो सोचो ना, ऊपर से कुछ नहीं कर रहे, सब अंदर से कर रहे हैं। तो प्लीज अपना फेथ बनाए रखिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।